देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप ANB News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने के लिए उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो कार दौड़ाकर भाग जाते हैं। ऐसा ही ताजा मामला कासना से सामने आया, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने चेक पोस्ट लगाई। 10 बजे के लगभग थाना ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा कासना कस्बे में चेकिंग की जा रही थी, जहां पुलिस ने गाड़ी आती देख रुकवाने की कोशिश की तो बदमाश बैरियर तोड़कर भाग निकले। इसी दौरान परिचौक की तरफ से एक वैगनआर गाड़ी बिना नंबर के आती दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने बैठे बदमाश द्वारा पुलिस से फायर करते हुए अपनी गाड़ी जेल रोड की तरफ घुमा दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर गाड़ी रुकवाने की कोशिश की तो बदमाशों की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा पीछा किया गया, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई और जेल रोड के पास गाड़ी जो डिवाइडर से टकराकर रुकी। रुकने के बाद एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल था, लेकिन दूसरे बदमाश द्वारा क्रॉस फायरिंग की। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक गोली बदमाश के पैर पर जा लगी, जिसमें उसको पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक वैगनआर और एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। इसे इलाज के लिए यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई थी कि अब कुछ चीजें बरामद हुई है इनके पास। हाँ, बदमाश के पास से तो एक तमंचा मिला है जो मौके पर बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घायल बदमाश हापुड़ का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने एक वैगनआर कार और एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जो जानकारी मिली है, इसका नाम रईस है और ये थाना क्षेत्र धौलाना जनपद हापुड़ का रहने वाला है।